का लेते हैं। ऐसा बेहद का वर्षा जो कोई छीन न सके, वहां दूसरा कोई भी छीनने वाला होता नहीं है। दूसरा नहीं होता, इसलिए उसको अद्वैत कहा जाता है। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, इसलिए अद्वैत कहा जाता है। फिर बाद में रावण राज्य दूसरों का होता है, उसको द्वैत कहा जाता है। द्वैत द्वापर युग में होता है और अद्वैत सत्य युग में होता है। सत्य एक होता है और द्वैतवाद अनेक प्रकार का होता है। अभी तुम इन बातों को समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है कि हम फिर से वॉइसलेस भारत को बनाए रहे हैं श्रीमत पर, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच एक ही है। ऊंच से ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, जिनको बाप कहा जाता है। तो ये भी समझाना है कि ऊंच से ऊंच बाप एक है। लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वो अभी विकारी नरक बन गया है। फिर हम भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाए रहे हैं। बाप जो कुछ बतलाते हैं वो नोट करके उस पर विचार सागर मंथन करके लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा ऐसा क्या लिखे जो मनुष्य समझे कि बरोबर भारत वॉइसलेस था। उस समय रावण राज्य नहीं था। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी बाप हम भारतवासियों को वॉइसलेस बनाए रहे हैं। पहले अपन को भी देखना है हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं, ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर तो निकल न सके, क्योंकि तुम हो पक्के आस्तिक। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन बाप एक ही है। भारत वॉइसलेस था तो स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी है ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो भारत नरक है। 84 जन्म भारतवासियों के लिए ही समझाए जाते हैं। इसको समझाने के लिए सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। बाबा ये सीढ़ी के चित्र 20-25 बनाए देंगे, जो कोई अच्छा हो तो उनको सौगात दे सकते हो। बड़े आदमियों को बड़ी बड़ी सौगात मिलती है ना। इंदिरा गांधी बाहर जाती है तो उनको हीरों की हार, कंगन आदि मिलते हैं, क्योंकि विलायत में ज्वेलरी तो बहुत होती है। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाए करके ऐसी अच्छी अच्छी सौगात दे सकते हो।
चीजें हमेशा तैयार करके रखनी चाहिए देने के लिए। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी है, इन्हें चित्रों में पूरा ज्ञान है। कौन से चित्र बताए, कितने बताए है? नहीं, सीढ़ी के 20-25 चित्र तैयार रहने चाहिए, जिनमें 84 जन्मों का राज भरा हुआ हो। जड़ चित्र ही हो या चैतन्य भी हो, ऐसे तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के 24 निकलेंगे। अप्रोक्सीमेट बताया जाता है 20-25। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे उनमें 84 जन्मों का पूरा ज्ञान भरा हुआ होगा। तो ऐसी ऐसी सौगात कोई को भी दे सकते हो। इन चित्रों में पूरा ज्ञान है, समझा सकते हैं कि हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। और वो सरणी याद रहनी चाहिए, समझ की बात है ना? जरूर जो पहले पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। कौन आए हैं पहले पहले? लक्ष्मी नारायण और उनके साथ दो बच्चे राधा कृष्ण, और उन्हीं जैसे कितने और होंगे? ये तो एक परिवार हुआ, माँ बाप और बच्चे। इसी तरह के कितने परिवार होंगे जो 24 हो जाएंगे? बोला, जो पहले पहले आए हैं उन्होंने 84 जन्म लिए हैं ना? बाप 84 जन्म बताए फिर कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। किनके बहुत जन्मों के अंत में जब प्रवेश करता हूँ तो इनका नाम रख देते हैं ब्रह्मा। जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। इन ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचता हूँ। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कब सुना? कहेंगे ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा कहते हैं, परंतु इनका अर्थ समझ नहीं सकेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते भी हैं सूक्ष्म वतन में। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं इनके 84 जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडाप्ट किया जाता है ना, तो नाम बदली किया जाता है। ब्रह्मा को एडाप्ट किया ना, क्या नाम बदली हुआ? दादा लेखराज नाम
बदली हो गया, संन्यास भी कराया जाता है तो नाम बदल दिया जाता है। सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो फौरन तो नहीं भूल जाते हैं, जीते तो याद जरूर रहती है, तुमको भी याद रहेगा, परंतु तुमको उनके लिए वैराग है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब काब्र दाखिल होने वाला है। इसलिए तुम पुरुषार्थ करते हो वैराग का, इसलिए हम उनको याद क्या करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति, वो भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं, परंतु उनको वैराग नहीं आता सच्चा, क्योंकि दुनिया का विनाश उनके सामने नहीं खड़ा हुआ है, और तुम्हारे सामने तो दुनिया का वैराग करना आसान है, क्योंकि तुम जानते हो अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। उन सन्यासियों से पूछा जाए, तुमने घर बार कैसे छोड़ा, तो वो कभी बताते नहीं है। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है, आपको वैराग कैसे आया, हमको अपना अनुभव सुनाओ। तो हम भी ऐसे करेंगे, थोड़ा टेम्पटेशन देना चाहिए। तुम भी टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, इस ब्रह्मा को भी सब याद है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हैं, सारा बुद्धि में ज्ञान है। तो समझना है कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी कलयुगी कर्म बंधन तोड़ने का है, फिर हम जावेंगे शांति धाम। पहले कर्म बंधन तोड़ना पड़े, शांति धाम जाने के बाद फिर वहां से यहां आवेंगे, सबका नया बंधन जुटेगा। समझाने की पॉइंट से भी बाबा बहुत अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, और उस समय वॉइसलेस थे। अभी फिर 84 जन्म लेने के बाद विशेष बने हैं, फिर वॉइसलेस बनना है, परंतु वॉइसलेस बनने के लिए पुरुषार्थ करने वाला चाहिए और कराने वाला भी चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम वो ही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी वो ही हो। 28/9/67 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते, कल्प कल्प तुमको पढ़ाए करके राज भाग देता हूँ, और कल्प कल्प आगे भी ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़ा, वो भी पड़ेगा। जीवन में क्या क्या होता है वो याद तो रहता है ना, इनको तो सभी याद है। बतलाते हैं कैसे छोटेपन में गांव का छोरा था, पुरानी टोपी, नंगे पांव घूमते रहते थे। बाबा को तो ये सब बातें याद हैं।
कैसे बकरी का दूध पीता था, कहाँ कहाँ रहता था, अभी भी वह मकान आदि दिखला सकता हूँ। परंतु मकान आदि तो सब मुसलमानों ने नहीं बनाए लिए होंगे, किस हिसाब से? सिंध हैदराबाद में पहले तो पाकिस्तान नहीं था, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो खून की नदियां बही, इधर से उधर, उधर से इधर हिंदू मुसलमानों को ट्रांसफर होना पड़ा, तो जरूर मुसलमानों ने नए मकान बनाए लिए होंगे। तो देखो कहां गांव रे का छोरा और फिर बैकुंठ का मालिक, बैकुंठ में गांवड़ा कैसे होगा? ये बातें तुम बच्चे अभी समझते हो। इस समय तुम्हारे लिए ये पुरानी दुनिया गांवड़ा है, कहां बैकुंठ और कहां नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महलों में, बिल्डिंग आदि में रहते हैं तो समझते हैं कि यही स्वर्ग है। बाप तो कहते हैं ये सब मिट्टी पत्थर है, मिट्टी का पत्थर का ढेर हो जाएगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरों की, तुम्हें हीरों के महल बनाते हो क्या? सचिनों में महल बनावेंगे क्या? वहां भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर चैतन्य हीरे जैसी आत्माएं हैं सूर्यवंशी, उन सूर्यवंशी आत्माओं का संगठन रूपी किला कहो महल कहो वो तैयार करेंगे। तो सबसे जास्ती हीरों की वैल्यू होती है। बाप कहते हैं तुम विचार करो कि कतयुग में तुम्हारे कैसे सोने के महल होंगे, रतन जड़ित सोने की ईंटें थी, अभी वो ईंटें यहाँ भट्टी में पकाई जा रही है, ज्ञान योग की भट्टी में कोई पकते हैं कोई कच्चे रह जाते हैं, वहां तो सोना बहुत होता है। सोना माना सच्चाई बहुत होती है। अभी तो पिछाड़ी का टाइम है, तो सोने की खानियां भी खाली होती जाती है, वहां तो सब खानियां भरी पूरी होंगी, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बच्चों को कोई समय मुरझाई आती है, क्योंकि झूठ की दुनिया है। तो बाबा ने समझाया है कोई कोई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में लाए देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, समझते हो? बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजा का बच्चा समझेगा हम इसे हद की राजाई के बारे से हैं, और तुमको तो बेहद की राजाई मिलती है, तो कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं,
बेहद की बादशाही हमको मिलती है। बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं और तो कोई कर न सके। हम 21 जन्मों के लिए वारिस बनते हैं तो कितना नशा, कितनी खुशी में रहना चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकेंगे। याद करके पवित्र बने तब वारिस बन सकते हैं। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व का मालिक बन डबल सिरताज बनते हैं। जन्म भाई जन्म हम राजा ही करेंगे। मनुष्यों को भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान। विनाशी दान पुण्य करते हैं और तुम्हारा है ये ज्ञान रत्नों का अविनाशी दान। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों के अनुसार तुमको फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके। डबल ताज वाले विश्व के मालिक बनते हैं। क्यों? डबल ताज वाले विश्व के मालिक क्यों बनते हैं? सिंगल ताज वाले क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि प्योरिटी का ताज जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक विश्व के मालिक नहीं बन सकते। पवित्र आत्माएं हिंसक नहीं हो सकती और जो अपवित्र होते हैं वो हिंसा के बल से राजा स्थापन करते हैं। इसलिए सारे विश्व के मालिक नहीं बन सकते। सारे विश्व के ऊपर मालिक वो ही बन सकेंगे जो संपूर्ण डबल अहिंसक हो। ये रूहानियत की बात है। इस समय दूसरी कोई राजा ही नहीं है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दूसरे धर्म वाले आते हैं और वो दूसरे धर्म वाले जब तक वृद्धि को ना पाएं तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में आए टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य चलता है। जब अपवित्रता फैलती है व्यभिचार फैलता है तो टुकड़ टुकड़ हो जाता है। वहां स्वर्ग में ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ अगले जन्मों का कर्मों का फल हमको मिला है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखलाए रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा सर्विस करेगा तो इसको रिटर्न में ऐसा मिलेगा। तो बच्चों को तो अच्छा ही कर्म करना है। कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसके लिए श्रीमत लेते हैं। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो उनको कितनी पोस्ट आती होगी। परंतु वह पोस्ट कोई अकेले थोड़े ही पढ़ते हैं। अकेले पढ़ सकते हैं क्या? उनके आगे पीछे बहुत होते हैं। वो सारी पोस्ट देखते हैं।
फिर जो बिल्कुल मुख्य पोस्ट होगी वो पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर जाएगी। यहाँ भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड देता हूँ, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग अलग पत्र बैठ लिखूं, ये तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को सिर्फ लाल अक्षर मिलती है तो कितने खुश हो जाते हैं। ओहो, आज बेहद के बाप दादा की हमारे लिए चिट्ठी आई है। बच्चे लिखते भी है शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा, रिस्पॉन्ड भी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, परंतु सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियां। बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती है तो उनको कितना चुंबन करती है। तुम्हारे में भी कोई कोई की बाप दादा का पत्र देख एकदम रोमांच खड़ी हो जाती है, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बहुत प्रेम से पत्र पढ़ते हैं। बांधेलियां कोई कम है क्या? बाबा लिखते हैं, अगर जबरदस्ती करते हैं तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। 2867 की वाणी का तीसरा पेज। परंतु अगर तुम्हारी आस है, तुम्हारी अपनी ही क्रिमिनल आई है, तो फिर दोष पड़ जाता है। परंतु लाचारी हालत में कोई दोष नहीं है। राक्षसों के हाथ में आ जाते हैं तो फिर कर ही क्या सकेंगे। इस समय तो सभी की चके हैं। जो भी पतित हैं, बड़े बड़े हैं, वो की चके हैं, हैं तो मनुष्य ना। फिर कोई सुपनखा पूतनाएं भी होती है, ये सब नाम आसुरी नाम है। विकार विगर पतियों को छोड़ती नहीं है, लड़ाई होती रहती है। कहां कोई माया भी जीत लेती है। कोई फिर समझते हमको तो पवित्र जरूर बनना है। ये भारत वाइसलेस था, अभी BCS है। अभी जो वाइसलेस बने होंगे वो फिर पुरुषार्थ कल पहले वाले ही करेंगे। तुम बच्चों को तो समझाना बहुत सहज हो जाता है, तुम्हारा भी ये प्लानिंग है कि गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल करके नई बनती है। तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिर ताज बनेंगे। ये देखो कितना बड़ा स्कूल है, सारी राजधानी स्थापन होती है, प्रजा भी अनेक प्रकार की बनेगी। और तुम्हारी राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले पहले आते रहेंगे।
कम पुरुषार्थ करने वाले बाद में आवेंगे, कम ज्ञान उठाने वाले जरूर पीछे आवेंगे। तो ये सब बना बनाया खेल है। हद के नाटक में भी नंबरवार एक्टर्स आते रहते हैं, खिचाड़ी में पार्ट पूरा होता है फिर नए सिरे रिपीट होगा, ये भी ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो, अगर स्त्री पतित बनना चाहती हो तो उसको कहो गेट आउट। परवाह नहीं करनी चाहिए, रोटी टुकड़ तो मिल सकता है ना। बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। भूल होती है तो अपने से प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ऐसा फिर कब नहीं करेंगे। अपन को थप्पड़ लगाना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का भी मिसाल बताते हैं, पूजा के टाइम इनका बुद्धियोग बाहर जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट मार देते थे। अभी ये तो है ज्ञान, इसमें मुख्य याद की बात है। अगर याद भूल जावे तो अपन को थप्पड़ मारना चाहिए। कितने थप्पड़ लगेंगे सारे दिन में। सोचना चाहिए मेरे ऊपर माया जीत क्यों पाती है, क्या मैं इतना कच्चा बन गया हूँ। मुझे तो इस माया पर जीत पानी ही है। तो अपने आप को अच्छी रीति संभाल लें, अपने से पूछो मैं इतना महावीर बना हूं, औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करता हूं। जितना औरों को आप समान बनाऊंगा तो हमारा दर्जा जरूर ऊंचा होता जाएगा। रेस करनी है, हम तो अपना भाग राजभाग जरूर लेकर छोड़ूंगा। अगर हमारे में भी क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है, ये तो सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाता रहता हूँ, खुद करता नहीं हूँ। वो ऊंचे बन जाए हम नीचे रह जावे, ये तो कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। तब बाबा ने एक पंडित की कथा सुनाई। बाप को याद करते करते इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मणिया हो, ब्रह्मा कुमार कुमारिया सच्चे ब्राह्मण ठहरे। इन ब्राह्मणों का प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा इसी सृष्टि पर होगा। शंकराचार्य ने भी कहा ब्रह्मा भी उतर आए, ऐसे कहते हैं ना। तुम भारतवासियों को समझाते हो,
क्या भी हम गृहस्थ आश्रम में है, वो सन्यासी तो सुख कोई नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं सतगु में भी क्या था, कंसी जरा सिंधी आदि थे, सारी बातें ही खराब कर दी। अभी तुम बच्चों को सब बातें बुद्धि में, तुमको तो बहुत होशियार होना चाहिए। तुमने प्लानिंग देखी है ना, बाबा का भी प्लान है मनुष्य से देवता बनाने के लिए, और ये चित्र भी है समझाने के लिए, इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता का भगवान का भी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग तो बिल्कुल सहज है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई है। ये भी शिव बाबा का प्लान है ना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणीय हैं, ब्राह्मण चोटी है, कोई एक की बात नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मणों को इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बहुत खुशी है क्योंकि तुमको लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत गाया हुआ है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो। वो तो सब ऐसे ही गाते रहते हैं, धरणी का नाम देते हैं वंदे मातरम। बहुत होने के कारण मनुष्य मुझ पड़ते हैं, तुम तो बहुत थोड़े हो, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, इस ड्रामा में मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिवान, इसलिए मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे बड़ी जाती चकमक है जिसका नाम है शिव बाबा, वो ही ऊंचे से ऊंचे रहते हैं। उन्होंने नाम दे दिया है कृष्ण का कि कृष्ण गोपियों को आकर्षित करते थे। वास्तव में है शिव बाबा की बात, मंदिर भी उनका ऊपर में बनाते हैं क्योंकि ऊंची स्टेज में रहते हैं। अभी तो गृहस्थियों के लिए शहर में भी बनाने लग पड़े हैं, नहीं तो शिव के मंदिर हमेशा पहाड़ों पर चोटी में जंगलों में ही होते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा समझते रहेंगे और औरों को भी समझाने के लिए प्लान करते रहेंगे। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना, बाप कहते हैं ये खेल है, तुम कैसे 84 जन्म लेते हो ये किसी को समझाना बहुत सहज है। पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था को पाना है, रिजल्ट तो अंत में निकलेगी। जब सब 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, अभी तो सब पुरुषार्थ ही है। तुम बच्चों को ये नशा रहना है, हम ईश्वरीय परिवार के हैं।
बड़ों को भी तुम जानते हो और सबसे बड़े से बड़े बाप को भी जानते हो। तुम ये बात अच्छी रीति समझ गए हो कि कृष्ण के चित्र चरित्र कुछ है नहीं। इन शास्त्रों में सभी कुछ भक्ति मार्ग की बातें भरी हुई हैं। फिर ये प्रायः लोप हो जाएंगे। बाबा ने एक चित्र दिखाया, सर्प के ऊपर कृष्ण डांस करता था। तो देखो मनुष्य चित्रों पर भी कितना चलते हैं। बाप समझाते हैं ये सब बनावटी आसुरी चित्र हैं। कोई सांप के ऊपर डांस नहीं होता है। सर्प दिखाया हुआ है, काली दह दिखाई हुई है, अब ये सब कहां से आई? फिर दिखाते हैं शंकर को शरीर में सर्प लिपटे रहते हैं। काली दह में कृष्ण ने सर्प को कंट्रोल किया। फिर सब गोपियां दिखाते हैं कि सर्प के ऊपर डांस करते हुए ऊपर आया। अरे वो तो काली देह में रहते थे ना, फिर गोपियां कहां खड़ी रही जो डांस करती थी? ये सब रंग चित्र हैं, दंत कथाएं हैं, ये तो विकारों को कंट्रोल करने वाली बात है। विकारियों के नजदीक रहने वाली बात है। ये सब बातें सुनते सुनते मनुष्यों का माथा खाली हो गया। सीधे सीधे अर्थ कर दिए। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, अभी रावण राज्य में तुम कितने खाली इंसॉल्वेंट बन गए हो, अकल ही सारी चट्ट हो गई है, तमो प्रधान बुद्धि बन गए हो, अभी भारत में कितने अनेक धर्म है, क्योंकि जो भी नया धर्म पिता आता है और भारतवासियों के ऊपर अपनी छाप छोड़ जाता है। ये सब बातें तुम अभी समझा सकते हो कि हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्म में क्यों कन्वर्ट हुए और धर्म वाले कभी कन्वर्ट क्यों नहीं होते। अभी तुम समझाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रच रहे हो। ये कितने झूठे चित्र हैं, इनके अर्थ भी कितने झूठे हैं, मनुष्यों के बनाए हुए हैं। वो भी तुम चाहो तो ढेर करके रख सकते हो, इन चित्रों के ऊपर झूठ बातें समझा सकते हो, बता सकते हो ये कैसे सच है और कैसे झूठ है। भक्ति मार्ग में इन चित्रों के ऊपर कितना खर्चा करते हैं। वास्तव में ज्ञान तो पढ़ाई है जो बाप ही आ करके पढ़ाते हैं और पवित्र बनाते हैं। इन शास्त्रों में तो कुछ भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई शास्त्र पढ़ेगा करके पंडित बनेगा, उनको बहुत सारे टाइटल मिल जाते हैं,
बहुत मान होता है। तो उनों का जो फाउंडेशन है वहां घुसना चाहिए। हम तो कहेंगे ये सभी ड्रामा है, कोई को दोष नहीं है। इन विद्वान पंडित आचार्य शास्त्री आदि का पार्ट ही ऐसा है। आगे चल करके ये भी झुकेंगे, ये भी बात तुम समझते हो। जो होशियार है वो अपने हम जिन्स का मान ऊंचा करेंगे। आज सतगुरुवार है, तुम्हारे ऊपर अभी अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है। दशाएं तो बैठती है ना, किस पर शुक्र की दशा, किस पर राहु की दशा। जो गटर में गिर पड़ते हैं फिर उनके ऊपर बहुत टाइम लग जाता है। तो अपने ऊपर राहु की दशा नहीं लानी चाहिए। माया बड़े जोर से थप्पड़ मार देती है, इसलिए संभाल करनी चाहिए। हराना क्यों चाहिए, हराने से उस्ताद का नाम बदनाम हो जाएगा। तुम तो खुशी से कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का यह प्लान है। नरक की दुनिया का विनाश होना है, अब इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया आने वाली है। ये भावी है जो टाले नहीं चले। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, समझाने का भी खिर चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है कि सच्चे सच्चे वैष्णव कौन है। विश्वपुरी वॉइसलेस थी ना, तो ऐसे वैष्णव संप्रदाय ही सच्चे वेजिटेरियन कहे जाते हैं। विष्णु से बनता है विष्णु वैष्णव संप्रदाय। विष्णु का अर्थ है जिनके अंदर विष का नाम निशान न हो, ऐसे विष्णु को तुम फॉलो करने वाले हो। तो वॉइसलेस हुए ना। यहां तो इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है, कान पान ही पवित्र नहीं है, वो सब है हद के वेजिटेरियन। और वो देवताएं होते हैं बेहद के वेजिटेरियन, क्योंकि देवताएं कब विकार में नहीं जाते हैं। उन देवताओं के स्थान को हेवन और इस दुनिया को हेल कहा जाता है। ऐसे ऐसे बैठ करके समझावेंगे तो लोग हियर हियर करेंगे। बताओ वैष्णव नाम कहां से निकला। विष्णु से निकला वैष्णव नाम। विष्णु का अर्थ ही है नो विषय टाल, विष का नाम निशान न रहे। तो विकारों को छोड़ना है, उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बाकी इन वेजिटेरियन बनने से क्या फायदा, इससे क्या विश्व में शांति हो जाएगी। तुम तो चाहते हो विश्व में शांति हो। हद के वेजिटेरियन तो बहुत होते हैं, तो वेजिटेरियन का भी अर्थ समझाना पड़े। वैष्णव है ही विष्णुपुरी, अभी तो रावण की पुरी है, ये वैश्यालय है। यहाँ सब विशेष है, व्यभिचारी है, और वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। यहाँ हेल में कितनी अशांति है,
नई दुनिया में शांति रहती है। बाप नई नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।